अब जरा सितारों की चाल भी जाननी है, तो इस वक्त अजीम जाफरी साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। अच्छा अजीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजीम साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी जरा बताइएगा, मैच जो कल पाकिस्तानियों ने जीता है, कुछ आपके सितारे यही बता रहे थे या फिर आगे चलकर क्या आपके सितारे बता रहे हैं? पाकिस्तान इंडिया के मैच में क्या होने वाला है? परफॉर्मेंस यही कंटिन्यूटी के साथ रहेगी या चीजें बदल सकती हैं? नहीं, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैंने कल का भी कैलकुलेट नहीं किया था, क्योंकि उससे फिर बड़ा एक मेरे लिए मसला हो जाता है, वो सट्टेबाजी वाले कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। तो वो बैटिंग के बचने के लिए तो वो मैंने इस दफा खत्म ही कर दिया, और टू बी फ्रैंक मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया था, मगर इस दफा मुझे अंदाजा है कुछ कि शायद अब जो मैच होगा उसमें सेकंड बैट शायद विन कर जाए। ये भी शायद का लफ्ज लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि जब कैलकुलेट करो वही हो जाता है। आपने ये कहा था अजीम साहब, मैंने उस पे लगा दिया, इस पे लगा दिया। अजीम साहब, पाकिस्तान और इंडिया की बात आप कर रहे हैं, जरा खुलकर बताइएगा क्लियर। शायद तो आप बोल रहे हैं पाकिस्तान मैच जीतेगा, हाँ या नहीं? नहीं, मैंने कभी भी मैच की प्रिडिक्शन ये नहीं करता मैं कि पाकिस्तान या इंडिया जो भी टीम है, मैं कहता हूँ फर्स्ट बैट या सेकंड बैट। अच्छा ठीक है, मुझे लग रहा है कि सेकंड बैट जीत जाएगा। अच्छा, यानी कि सेकंड बैट जीत जाएगा। जी जी जी, चले जी, प्रिडिक्शन अब ये आ गई है, तो टॉस पे डिपेंड करता है कि अब क्या होता है। ये भी बता दे टॉस कौन जीतेगा। टॉस कौन जीतेगा? नहीं, मैंने बताया ना, मैं कैलकुलेट ही नहीं किया इस दफा, बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं लिया, इवन के बैच भी नहीं देखे मैंने तो। सही। तो अच्छा, मैं ऐसे ही तुक्के नहीं मारता क्या बिला वजह, मतलब देखे मैं कहूंगा, कोई कह देगा लगा देगा पैसे बेकार, आपको पता है, फिर अच्छा ही लगता। चले जी, सही। और किसी टॉपिक पे शुरू करते हैं। चले जी, क्यों नहीं, अब टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं। पाकिस्तानी सियासत की बात हम सबसे पहले करते हैं। मियां साहब सुने, आ रहे हैं बहुत उतार। जी, सियासत में बहुत उतार चढ़ाव नजर आ रहा है, और जैसे मैंने अपने एक वीडियो में भी कहा था, 1 अक्टूबर से और ये तकरीबन 16-17 नवंबर तक बड़ा खराब पीरियड है। आप देख रहे हैं दुनिया में कहां कहां जंगें चल गई हैं, ठीक है ना, जंगें छिड़ गई हैं आपस में, जलजेले का भी आपने देख लिया, ठीक है। तो ये पोजिशन अभी जैसे मैंने कहा, 1 अक्टूबर से लेके तकरीबन ऑलमोस्ट 16-17 नवंबर तक अच्छी नहीं है। जैसे मैंने कहा, आने वालों की फ्लाइट कैंसिल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो इस वक्त तो बड़ा केयरफुली होके चलना चाहिए। आम आवाम को भी मैं कहूंगा कि बहुत अपना कोई नया काम करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो अवॉइड करें, क्योंकि ये अच्छी पोजीशन नहीं है, इसमें लॉसेस ही होते हैं अल्टीमेटली आपको। 16 नवंबर तक का वक्त आप बता रहे हैं? जी जी। अच्छा 16 नवंबर तक जरा ज्यादा कड़ा वक्त है। अच्छा, ये नहीं कि 16 के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसके बाद ग्रेजुअली वो जो खराब सितारे एक जगह जाके जमा हो जाते हैं ना, कंजक्शन हो जाता है, वो वहां से निकलेंगे एक एक करके, मगर फिर ये नहीं होगा कि वो निकलने के साथ ही आपको एकदम फायदा देंगे, वो अलग होंगे, आहिस्ता आहिस्ता देंगे। मतलब अभी आप ये कह लें, ये पोजीशन जो है हमारी ऑलमोस्ट वो दिसंबर जनवरी फरवरी तक ही चलेगी हालात की, मगर ये जो पीरियड है ये बहुत खराब पीरियड है, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत कई सालों बाद मतलब ये पीरियड हुआ है जिसमें ये एक जगह से सितारे इकट्ठे होने जा रहे हैं। तो खास तौर से स्पेशली ये 15-16 अक्टूबर से तो 16 नवंबर, ये 30 डेज तो बहुत ही केयर रहनी है, मतलब केयरफुल रहना है। अच्छा, इसमें रेमेडीज बताएंगे आप? अगर तो ये हालात तो वाकयात हैं, तो फिर तो जाहिर है इसका कोई हल भी होना चाहिए। बिल्कुल, देखें 14 अक्टूबर को तो सूरज ग्रहण है, फिर उसके बाद 28 अक्टूबर को चांद ग्रहण है, तो सूरज ग्रहण में हमेशा नमाज जो आप पढ़ते हैं वो तो पढ़ते ही है, उसके अलावा अगर आप सदका देना चाहें तो सबसे बेस्ट होता है बाजरा या आटा। जो आटा अफोर्ड कर सकते हैं वो आटा दें, जो बाजरा अफोर्ड कर सकते हैं वो ड्यूरेशन में जो उसकी होती है एक्लिप्स की, उसमें आटा दे सकते हैं या बाजरा परिंदों को। अच्छा, चांद ग्रहण में होता है पानी या दूध का सदका। आप मैक्सिमम जितना चाहें हस्बे तौफीक किसी को दूध दे सकते हैं, और किसी को ठंडा पानी, पानी की बोतलें, इस तरह मशरूबात वो आप दे सकते हैं। सही। ये होता है, ये दो सदके होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, बाजरा आटा या पानी या दूध। तीसरा कोई कहे जी वो गोश्त और लाल कपड़े में बांध के और इतना 1.25 किलो गोश्त, उसमें 1.5 किलो चावल और 3 किलो चने की दाल, ऑल बुलशिट्स, ये सब मैं नहीं मानता। अच्छा, सिंपल ऐसे कहते हैं कि बच्चों को बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, बच्चों को असर जल्दी हो जाता है, बच्चों के लिए सदका कौन सा अच्छा होता है? देखिये,
बच्चों का ओवरऑल जैसे अगर आप बात कर रहे हैं ना कि बच्चों के लिए सच्चा होता है, तो बच्चों का स्टार होता है मरकरी। तो मरकरी वालों के लिए, चाहे वो ज्यादातर, तो वैसे मैं बच्चों की इस वक्त बात करूं तो नहीं तो बड़ों को भी कहता हूं, अगर तो मरकरी से रिलेटेड इश्यूज अगर किसी को आ रहे हैं ना, तो वो बुध के दिन, जैसे आज वेनसडे है, वो ग्रीन कलर का सदका दें, ग्रीन कपड़ा दे दें, ग्रीन सब्जी दिला दें, बच्चों की पेंसिलें आती हैं ग्रीन वो दिला दें, ठीक है, ग्रीन मिठाई, ग्रीन कपड़ा, जो ग्रीन कलर का लगे वो दे दें बच्चों। मगर फिर मैं वही कहूंगा कि हर एक की अपनी प्लैनेटरी पोजिशन के हिसाब से सदका देना चाहिए, और वो आपको आता है हॉरोस्कोप में कि कौन सा नेगेटिव में बैठा है, कौन सा पॉजिटिव में बैठा है, ठीक है। जो पॉजिटिव में बैठा है उसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक चीज मीठी है उसमें आप कह रहे हैं नहीं मैं 2 किलो और डाल दूं, चलो अच्छा है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगी ज्यादा मिठास भी। चले मैं हॉरोस्कोप की तरफ आ जाए, देखो कौन जी हॉरोस्कोप की तरफ आ जाते हैं, सितारों की चाल भी बता दीजिए। अच्छा हाँ, सितारों की चाल अगर हम जिक्र करें, पहले एरीज से स्टार्ट करें, तो उनका अभी अपना सेवंथ हाउस में गया हुआ है, सेवंथ हाउस वीक हाउस होता है, पर आगे एट्थ में जाना है वो भी अच्छा नहीं है, तो वो तो अभी बहुत केयरफुली अपने जो भी मामलात हैं वो उनको लेके चलें, कोई ऐसे रिस्क ना ले, कोई वो ना करें, ट्रेवल भी जरा थोड़ा सा अवॉइड करें, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, ट्रेन हादसा, हवाई हादसा, ये वो का भी खतरा होता है इस पीरियड में। उसके बाद बारी है टॉरस की। टॉरस वाले ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, ड्राइव केयरफुली करें, गाड़ी पे फजूल खर्चा, गाड़ी खराब हो जाना, ठीक है, नौकर से झगड़ा, अगर आप खुद भी नौकरी कर रहे हैं तो बड़े मोहताज होकर करें, हो सकता है आपके लिए कोई एक प्लान तैयार किया जा रहा हो तो इनको फारिग करो। उसके बाद बारी है जेमिनी वालों की। जेमिनी वालों का थोड़ा सा स्टमक से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, बच्चों से अपने रिलेटेड, अगर उनकी लव लाइफ चल रही है, कहीं बातचीत चल रही है, तो उसमें जरा मोहताज रहें। कैंसर वालों का अपनी वालदा का ख्याल करें, अपने लंग्स, फेफड़ों का, ठीक है, चेस्ट का ख्याल करें, और अपना जो मकान, घर, गाड़ी, इसकी जरा लेन देन में बड़ा एहतियात करें। अजीब सी बेचैनी चल रही होगी आजकल, मगर उनको चल रही होगी जिनका ये असेंडेंट या मून साइन है, सपोज असेंडेंट वो है कैंसर या मून साइन कैंसर है। उसके बाद लियो वालों की, इनको तो बहुत ही मोहताज होना चाहिए 15-16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, क्योंकि इनका अपना डेवल्यूशन में जा रहा है, खराब उसमें जा रहा है, कोई जल्दबाजी में कोई गलत फैसला कर बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद बारी है विर्गो वालों की। विर्गो वालों के अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, और बिल्कुल जो कहते नहीं कि यार ये बेकार की सर पे आन पड़ी पैसों की, वो लॉसेस या वो खर्चा फजूल का वो होता नजर आ रहा है। लिब्रा वालों को अपना खुद ख्याल करना चाहिए, इनको तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है, इन पे कोई मुकदमा, कोर्ट केस, कचहरी का सामना हो सकता है, तो इनको भी बहुत मोहताज होना चाहिए। स्कॉर्पियो वालों का भी होना चाहिए, इनके खिलाफ भी दुश्मन चाले चलने के लिए पूरे तैयार बैठे हुए हैं कि जब मौका लगे तो ये नेक्स्ट 45 डेज या जो ऐसे बन रहे हैं 40 डेज, उसमें अटैक किया जा सके स्कॉर्पियो वालों को। उसके बाद बारी है सेगिटेरियस वालों की। इनका भी कोई अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि अपना सितारा ही उल्टी चाल में गया हुआ है 30 दिसंबर तक, तो इनको भी मोहताद रहना है, और ख्वाहिशात, अपने दोस्तों से उम्मीदें वाबस्ता जो है उसमें नुकसान या वो उल्टा नेगेटिव कोई आ जाना कि यार दोस्त ने, देखो हम तो ये समझ रहे दोस्त हमारा ये करा देगा, उसने तो उल्टा ये काम कर दिया। उसके बाद कैप्रिकॉन की। कैप्रिकॉन खुद 4 नवंबर को सैटर्न जो है वो ठीक होगा, तो उसके बाद मामला होंगे, मगर अभी भी कारोबारी, चाहे वो आपके जॉब से रिलेटेड है, ससुराल से रिलेटेड है, उस पर आप बहुत मुताद करें, कोई ऐसा नया फैसला ना उठाएं 16-17 नवंबर तक जिसमें आपको बाद में सारी जिंदगी पछतावा हो। एक्वेरियस वालों का भी, जैसे मैंने कहा, सैटर्न 4 नवंबर को सीधा होगा, तो कुछ मामला बेहतर होंगे, मगर उनको भी पर्सनल लाइफ, शादीशुदा जिंदगी, और अगर वो बाहर जा रहे हैं तो उसमें नुकसानात या उसमें हर्डल्स का सामना इनको हो सकता है, जो टाइम फ्रेम बता रहा हूँ। सही। लास्ट में बारी है पैंसेस वालों की। उनका जैसे मैंने कहा जुपिटर 30 दिसंबर को सीधा होगा, तो मामला बेहतर होंगे, मगर इस वक्त जो है उनके लॉसेस, स्पेशली किसी को कर्ज के मामला या प्रॉपर्टी के लेन देन के मामला में बहुत मोहतात रहे। इनहेरिटेड भी अगर कोई खरीदो फरोख कर रहे हैं, वालिदैन की कोई जायदाद का हिस्सा पत्ती हो रहा है फैमिली में, तो मैं ये समझता हूँ कि 15-16 नवंबर तक तो उसको अवॉइड करें, उसके बाद स्टेप लें। सही। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तमाम तर सूरत हाल दिया अजीम साहब, और सबको सदका देना है, सबको ख्याल रखना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।